First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ। फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस। वैरायटी की भरमार, अच्छी क्वालिटी, कम दाम। आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शर्तों के साथ आम जनता के लिए लोकल ट्रेन 1 फरवरी से शुरू करने की घोषणा की थी और 1 फरवरी को समय नियम अनुसार आम जनता के लिए लोकल ट्रेन शुरू भी हो गई और आज मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आम जनता लोकल ट्रेन में सफ़र करने के लिए बड़ी संख्या में पहुँच गई, मगर देखा गया कि मुंबई की तरफ ऑफिस और काम धंधे पर जाने वाले ज़्यादातर लोग सुबह 7 बजे के पहले ही नियम अनुसार यात्रा करके चले गए, मगर आज दोपहर 12 बजे के बाद मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। लंबी कतारें ट्रेन के लिए लगी रही। आम जनता भी लोकल ट्रेन शुरू होने से काफ़ी खुशी जाहिर कर रही है। हालांकि समय सीमा को लेकर लोगों में थोड़ी नाराज़गी ज़रूर है, मगर इसके बावजूद सीएम उद्धव ठाकरे का लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने आम जनता के लिए लोकल ट्रेन की शुरुआत तो की। यात्रियों की सीएम उद्धव ठाकरे से ये भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि जल्द ही समय सीमा भी हटा दी जाएगी। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर काफ़ी संख्या में आम जनता लोकल ट्रेन में सफ़र करने के लिए दोपहर 12 बजे के बाद नज़र आई, खास करके फैमिली के साथ में टिकट के लिए कतारों में खड़े हुए लोग दिखाई दिए। मगर नागरिकों के लिए जो समय सीमा तय की गई है उस नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर कठोर कार्रवाई की घोषणा भी की गई है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर दोपहर 12 बजे के बाद आम जनता जो यात्रा करने के लिए खड़ी थी, उन यात्रियों ने क्या कुछ कहा है सुनिए। आप पब्लिक के लिए जो सरकार ने ट्रेन चालू कर दी है, तो इस पर क्या आप लोग खुश हैं, क्या कहें? सर, सरकार ने जो निर्णय लिया है महाराष्ट्र का, को लोगों के लिए इतना दिन बहुत तभी बोल रही थी आने जाने के लिए पब्लिक को, और आज से जो आम लोगों के लिए जो ट्रेन चालू किया है उसके लिए सरकार को हम अभिनंदन करते हैं। सरकार का जो फैसला है ट्रेन अभी चालू की गई है, तो इस संदर्भ में क्या कहें? सर, ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो सरकार ने अभी रिटर्न स्टार्ट कर दिया बहुत बेनिफिशियल है लोगों के लिए। लोग एन नंबर ऑफ पर्पज़ के लिए जा सकते हैं। पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, अब प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी हुई है, तो वो भी अपने जॉब पे टाइम पे जा सकते हैं और वो भी उनके जो ट्रांजेक्शन है उनकी जो चीज़ें वो टाइमली बेसिस पे कर सकते हैं। सरकार के लिए क्या कहेंगे जिस तरह से सरकार ने सर सरकार जो भी करेगी सोच के ही करेगी। जैसे कि ये पैंडेमिक चल रहा है, इसके प्रेजेंस में भी सरकार ने फैसिलिटी चालू किया तो कुछ सोच समझ के क्या होगा, तो वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट। अगर कोई इंसान कमाएगा क्या खाएगा क्या, ट्रेन से थोड़ा फायदा है ना, इंसान थोड़ा गरीब इंसान ट्रेन में तो जा सकता है, सफर कर सकता, इसके लिए अच्छा है। टाइम चालू किया लेकिन टाइम प्रॉपर है नहीं, जिस हिसाब से लोगों को जो है सुबह में जाना चाहिए उस हिसाब से जो है 12 बजे से कोई मतलब नहीं है। सुबह का वक्त होना चाहिए। हाँ हाँ, सुबह का वक्त होना चाहिए। सुबह में भी है समय 7 बजे, तो 7 बजे अपने सुबह कहाँ कोई काम थोड़ी शुरू होता है, शुरू तो जो है 8 बजे 10 बजे से होता है। क्या कहेंगे आज से जो ट्रेन की शुरुआत हुई है? आज से जो ट्रेन शुरुआत हुई है ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो है फंसे हुए थे कहीं कहीं, तो काम पे जाने के लिए भी उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं था ट्रेन के सिवा, मतलब बस से जाने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी, बस से भी रश हो रही थी और कई जो थे अपने कारोबार से भी हाथ धो बैठे बेचारे। तो आज ये सब पब्लिक देख रहे आप निकले हुए हैं, हम चाहते हैं कि जो वक्त दिया गया है उसको और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ताकि इसके बीच में जो जैसे 7 तक का टाइम है उसके 10 तक कर लोग उस तरह भी सर्विस टाइम पे निकले, वरना क्या होगा, तो आज 7 के बाद ही गर्दी जैसे अभी भीड़ हुई है, इसके ये टाइमिंग में जो दिया उससे ज़्यादा भीड़ हो गया। सर, तो जाने का वक्त है, जो ड्यूटी जाने का वक्त है सीएसटी तो उसको थोड़ा और 7 के अलावा थोड़ा आगे बढ़ाई है, तो मेरी यही विनती है सरकार से कि वो थोड़ा इस बारे में सोचे, ताकि लोगों को आसानी से टिकट मिले, वरना एक टाइम पे आप इस तरह से करेंगे तो इसी भीड़ कम हो जाएगी और फिर हम उस क्वेश्चन का फिर भी इस तरह से फैसला लिया चालू किया। हाँ, सरकार ने जो जनता के लिए फैसला लिया बहुत अच्छा है, क्योंकि कोविड को शुरू के 1 साल होने आया करीब करीब,
और लोगों के लिए एक राहत की बात है, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि सरकार दूसरी फैसिलिटी की तरफ भी ध्यान दे,